मुझे पूरा विश्वास है मिर्जापुर का आम मतदाता जनपद की तरक्की के लिए, विकास के लिए एक बार फिर मुझे अपने अमूल्य वोटों का आशीर्वाद देगा। और जैसे विकास के रथ का पहिया यहाँ पर 10 साल तक तेजी से चला है, उससे भी ज्यादा अधिक तेजी के साथ मिर्जापुर के विकास रथ का पहिया दौड़ेगा। हीट वेव स्ट्रॉक भी बहुत चल रही है, तो किस तरीके से लोगों को आप मोटिवेट करेंगे? देखिए, मैं सभी लोगों से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि गर्मी भीषण है, इसलिए अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें। पानी, ग्लूकोन डी, नींबू पानी, ORS या जो भी आपके शरीर को सूट करता है वो साथ में लेकर चलें, उसका सेवन करें और सुबह सवेरे उठकर वोट डालें। हम भी देखिए 7 बजे वोट डालने आ गए। इंडिया लाइंस कह रहा है कि 4 जून को सरकार बनाने वाले हैं, 1 जून आज है, कितना आपको लग रहा है? 4 जून का इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इड्डी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और देश में तीसरी बार फिर एक मजबूत सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार की हैट्रिक लगेगी। राहुल ये भी कह रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है, हम लड़ेंगे, खटाखट पैसे देंगे, खटाखट नौकरियां देंगे। देखिए, जहाँ तक नौकरियों का सवाल है, जहाँ तक देश के विकास का सवाल है, तो हमने 10 वर्षों में देश को आगे ले जाने का काम किया है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, जिसे UPA की सरकार में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, जो 11वें नंबर पे हुआ करती थी। आज देश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। आज देश के अंदर गरीब का, किसान का, युवा का, महिलाओं का, सबका कल्याण करने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं चलाई गई हैं और ज़मीन पर हर वर्ग ने अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। हमने 1 साल के अंदर मिशन रिक्रूटमेंट चलाकर 10 लाख सरकारी नियुक्तियां देने का काम किया है और साथ ही जो इतने बड़े पैमाने पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके ज़रिए भी रोज़गार के अवसर पैदा हुए हैं। हमने आज भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है, जिसमें 14 लाख से अधिक नौकरियां तो केवल हमारे युवाओं ने, देश के जो उनके जैसे और प्रतिभाशाली नौजवान हैं उनको दी हैं। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के जरिए हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर देश में और रोज़गार पैदा कर रहे हैं, तो देश आज एक नई राह पे चल चुका है। ये UPA के समझ के बाहर है। आखिरी सवाल है, 79 सीटें जीतने वाले अखिलेश ऐसा क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि दो अपना दल से भी कैंडिडेट हैं महिलाएं। दोनों की दोनों सीटें, मिर्जापुर और सोनभद्र, अपना दल 100% स्ट्राइक रेट कायम रखेगा। और NDA गठबंधन, क्योंकि 79 NDA गठबंधन ने जो अपना लक्ष्य तय किया है, 80 की 80 सीटें हम जीत कर देश की सरकार बनाएंगे। मैंने अपना वोट दे दिया है और सभी देशवासियों से और ख़ास तौर से मेरे मिर्ज़ापुर संसदीय क्षेत्र की जनता से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आपका वोट आपकी आवाज़ है। आज का दिन इस लोकतंत्र के महापर्व में बेहद महत्वपूर्ण है। ये वोट आप देश के लिए और अपने ज़िले की तरक्की के लिए देने जा रहे हैं, इसलिए सभी से निवेदन है, घरों से निकलें, पहले मतदान फिर जलपान, अपना अपना वोट दें। कितनी कॉन्फिडेंस है मैम, ये लास्ट चरण है, अब इसके बाद तो मतगणना होनी है, कितनी कॉन्फिडेंस? मोदी जी की सरकार की हैट्रिक लगने को लेकर भी है और मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र से यहाँ का मतदाता मुझे तीसरी बार आशीर्वाद देने जा रहा है, दोनों विषयों को लेकर मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। मतदान के बाद आमतौर पर एग्जिट पोल होता है, जिसपे तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी प्रतिक्रिया देती हैं। कांग्रेस ने इसको बायकॉट किया है कि हम कोई भी मीडिया डिबेट में एग्जिट पोल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, क्या दर्शाता है ये दर्शाता है कि वो हताश हैं, निराश हैं और परिणामों का आभास उन्हें बहुत पहले हो चुका था और कहीं ना कहीं ये स्वीकारोक्ति है, वो ये मान चुके हैं कि देश के मतदाता ने उनको नकार दिया है और तीसरी बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।